ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने थेरेसा मे के साथ मुलाकात की और ब्रेक्जिट की सराहना करते हुए कहा कि इससे ब्रिटेन को उसकी खुद की पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद किसी विदेशी नेता के साथ ट्रंप की पहली शिखर बैठक थी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के ब्रिटेन के फैसले के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कहा, एक मुक्त और स्वतंत्र ब्रिटेन दुनिया के लिए वरदान है और हमारे संबंध इतने मजबूत नहीं रहे। दोनों नेताओं ने कहा कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के कारोबारी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने ब्रेक्जिट का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मानना है कि एक बार ये हो जाने पर आप खुद ही पहचान रखेंगे और आप उन लोगों को देश में रख सकेंगे जिनको चाहते हैं। थेरेसा मे ने बताया कि ट्रंप ने नाटो के लिए 100% समर्थन की बात कही है और उन्होंने इस साल के आखिर में ब्रिटेन का दौरा करने का उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बता दें कि दोनों नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि दोनों देश व्यापार पर सहमति बनाने और ब्रेक्जिट के बाद नए समझौते की भूमिका तैयार करने की कोशिश में हैं। गौरतलब है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की किसी भी विदेशी नेता के साथ आमने सामने की ये पहली मुलाकात थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।